गायिका लता मंगेशकर जी तकरीबन 15 दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, 9 जनवरी की सुबह लता मंगेशकर जी को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। कोरोना वायरस और निमोनिया जैसी गंभीर बीमारी से जंग लड़ रही हैं लता मंगेशकर जी। हालांकि अब उनकी सेहत में पहले से ज्यादा काफी सुधार है। ऐसे में देखा जाए तो डॉक्टर्स एहतियात के तौर पर लता मंगेशकर जी की सेहत को लेकर कई बड़े और अहम फैसले भी ले रहे हैं। रिसेंटली एक और बड़ी खबर आ चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशु राठौर। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि लता मंगेशकर जहां एक तरफ इस गंभीर बीमारी से धीरे धीरे रिकवरी कर रही हैं, उनके सेहत में पहले के मुताबिक काफी सुधार भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अब खबर आ रही है कि लता मंगेशकर जी को अब भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। आखिरकार क्यों, चलिए बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कोरोना वायरस महामारी का शिकार होने के बाद से लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर जी मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। 9 जनवरी की सुबह लता मंगेशकर जी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और तब से लेकर अब तक लता मंगेशकर जी आईसीयू में भर्ती हैं। डॉक्टर्स लगातार हेल्थ बुलेटिन जारी कर रहे हैं। लता मंगेशकर जी की सेहत में पहले से काफी सुधार भी देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ही तरफ डॉक्टर्स लगातार लता मंगेशकर जी पर कड़ी निगरानी भी बनाए हुए हैं। इसी बीच देखा जाए तो लता मंगेशकर जी के चाहने वालों के लिए एक और बड़ी खबर आ चुकी है। खबर आई है कि लता मंगेशकर जी की सेहत में जहां एक तरफ पहले से काफी सुधार देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी ही तरफ अब भी लता मंगेशकर जी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। डॉक्टर्स ने एक और बड़ा और अहम फैसला ले लिया है। अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक सामने आया है कि लता मंगेशकर जी अभी तकरीबन 1 हफ्ते तक आईसीयू में डॉक्टर्स की निगरानी में ही रखी जाएंगी। सूत्रों के मुताबिक कहा गया है कि उन्हें डिस्चार्ज अभी नहीं किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बताया गया है कि लता मंगेशकर जी को डिस्चार्ज करने को लेकर डॉक्टर कोई भी हड़बड़ी नहीं करना चाहते हैं और उन्हें इस वक्त बाहर के वातावरण से एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक कहा गया है कि ऐसा करने से उन्हें फिर से संक्रमण होने का खतरा हो सकता है। इसी वजह से लता मंगेशकर जी को अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। डॉक्टर प्रतीश तमदानी के साथ साथ 5 डॉक्टर्स की एक टीम लता मंगेशकर जी का इलाज कर रही है। वहीं लता मंगेशकर जी की सेहत को लेकर डॉक्टर प्रतीश तमदानी ने बताया था कि लता मंगेशकर जी कोविड के साथ साथ निमोनिया से पीड़ित हैं, जिसे कोविड निमोनिया के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से लता मंगेशकर जी महामारी के साथ साथ निमोनिया से भी जंग लड़ रही हैं और उनकी सेहत को लेकर डॉक्टर्स अब ये बड़ा फैसला ले चुके हैं और उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए उन्हें अब भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। आप सभी ने देखा जाना, संक्रमण के चलते डॉक्टर्स अभी भी सावधानी बरत रहे हैं। लता मंगेशकर जी जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती हैं, तब तक उन्हें डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। फिलहाल देखा जाए तो दुआओं का सिलसिला जारी है। इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।